नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते तो एक साथ में यहाँ पर तीन आईपीओ आ गए। अभी आपके मन में सवाल आ रहा है कि हमको किस आईपीओ में अप्लाई करना और लेटेस्ट जीएमपी भी सबसे ज्यादा किसका चल रहा, कौन सा हमारे लिए सही होगा, हमारे पैसे को दोगुना तीन गुना करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर सूला वाइन यार्ड्स का आईपीओ जो ओपन हो चुका है उसके ऊपर बात करेंगे। तो देख लीजिए, 12 तारीख को ओपन होता, 14 को क्लोज हो जाएगा। और अगर एक लोट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 42 शेयर्स आपको अलॉट होंगे, जिसके लिए आपको 14,280 रुपए पे करने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपको मिल जाए, तो यहाँ पर प्राइस रेंज जो देख रहे हैं 340 और 357, तो आपको हमेशा इस कट ऑफ वाले प्राइस पर ही अप्लाई करना है, तभी आपको आईपीओ मिलने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज आपको आईपीओ मिलने वाला नहीं है। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इसको अप्लाई करते तो हम कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी कितना चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना होगा। तो फर्स्ट डे 12 तारीख को इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देखेंगे शाम को 6 बजे तक। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई रिस्पांस नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे 0.18 गुना है। सिर्फ रिटेल कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो आधा गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। इसके जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने भी यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं किया है। टोटल सब्सक्राइब देखेंगे तो 0.28 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। अभी आप सोच रहे इतना कम सब्सक्राइब क्यों हुआ, तो फर्स्ट डे था। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, जो भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर वो पहले दिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यहाँ पर वो वेट करते हैं दूसरे दिन का या फिर आखिरी दिन का। तो आज इसका दूसरा दिन, तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर आपको इफेक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ ही इसकी लेटेस्ट जीएमपी पर भी नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कंपनी का कामकाज क्या है। तो ये दारू बनाने वाली सबसे लार्जेस्ट कंपनी है भारत की, वाइन बनाती है। इसका रेवेन्यू आप देखते हैं 2020 से लेकर के 2022 तक, तो 2020 में 523 करोड़ था, 2021 में 422 करोड़ हुआ, लेकिन 2022 में थोड़ा सा बढ़ के 557 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं टोटल एसेट्स की बात करें तो अच्छे खासे एसेट्स है कंपनी के पास। प्रॉफिट की बात करें, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 2020 में देख लीजिए लॉस हो गया था इसको कोविड के कारण 16 करोड़ का, लेकिन 2021 में प्रॉफिट हुआ है 3 करोड़ का, लेकिन 2022 में इसने बाउंस बैक किया है और आप देखेंगे 52 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, दारू एक ऐसी चीज़ है कि मंदी हो या तेजी हो, दारू हमेशा ही चलती है, अगर मंदी होगी तो और ज़्यादा चलेगी। तो इसके साथ ही इसका लेटेस्ट जीएमपी अगर हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, इसे अवॉइड करना है। तो सूला वाइन यार्ड्स का जो लेटेस्ट जीएमपी 30 रुपये के आसपास चल रहा है, आप देख सकते हैं इसके हिसाब से 8% का लिस्टिंग गेन आपको मिलता है वो दिख रहा है। इसकी प्राइस कट ऑफ मैंने बता दिया आपको 357 रुपये के पास। अगर इसकी प्राइस 250 रुपये के आसपास होती तो ये ज़्यादा बेटर था, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर आपने यहाँ पर एक लोट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, आप रिटेलर हैं, तो अभी आपके मन में सवाल आता है कि हमको कितना बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं फटाफट से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 42 शेयर का लोट है, तो आपको 42/30 कर देना है। तो हम यहाँ पर 42/30 करेंगे। तो अगर एक लोट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको 1260 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है यहाँ पर इस आईपीओ के हिसाब से, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज जो मैंने बताई थोड़ी सी ज़्यादा है। कम से कम यहाँ से 1500-2000 के आसपास का आपको लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए था। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर नज़र डालेंगे। अगर आप रिटेलर है तो मैक्सिमम एक लोट ले पाएंगे, इसमें 42 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए 14,994 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप मैक्सिमम लोट लेना चाहते हैं तो 13 लोट ले सकते हैं, इसमें 546 शेयर्स आपको मिलेंगे, इसके लिए 1,94,922 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप HNI कैटेगरी में लेना चाहते हैं तो देख लीजिए 14 लोट ले सकते हैं, इसमें 588 शेयर्स मिलेंगे, इसके लिए 2,09,916 रुपये आपको पे करने होंगे। और मैक्सिमम HNI कैटेगरी में 68 लोट आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको इतना पेमेंट पे यहाँ पर करना पड़ेगा। इसका रेवेन्यू मैंने यहाँ पर दिखा दिया फटाफट से, इसकी इंपोर्टेंट डिटेल्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। इसके बाद आपको डिसाइड करना है आपको इसको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो 12 तारीख को ओपन हुआ, 14 को क्लोज हो जाएगा, 960 करोड़ रुपये का आईपीओ, 26,000 देख लीजिए इसके ऑफर फॉर सेल की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स। और इसकी प्राइस बैंड देखेंगे तो 540 और 557। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहते हैं आपको मिल जाए तो 557 पर आपको अप्लाई करना, दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। और रिटेल कैटेगरी का जो कोटा है वो 35% के आसपास रखा गया, QIB कोटा 50% है, NIA कोटा 15% के आसपास आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस आईपीओ के अंदर।
इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे प्राइस बैंड अनाउंसमेंट जो हुआ था 7 दिसंबर को हुआ था, और एंकर इन्वेस्टर जो है इसके उनकी अलॉटमेंट 9 तारीख को हो गई, 12 को रिटेलर्स के लिए ओपन हुआ, 14 को क्लोज होगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके मन में सवाल आता है बेसिस अलॉटमेंट कब मिलने वाला है, तो 19 दिसंबर को इसका बेसिस अलॉटमेंट अगर आपको मिल गया तो आपका जो भी डीमैट अकाउंट में 21 दिसंबर को आपके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपका जो भी रिफंड है जो अमाउंट आपका होल्ड हो 20 तारीख को अन होल्ड कर दिया जाएगा। फाइनली सुला वाइन यार्ड्स आईपीओ की लिस्टिंग 22 तारीख को यहाँ पर हो जाएगी, इसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो आपको नहीं मिलता है फिर भी आप अच्छा खासा बेनिफिट कमाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप कमा सकते हैं आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप आईपीओ अगर आपको अलॉट नहीं भी होता तो भी 10-15% का लिस्टिंग गेन आसानी के साथ आप ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अवॉइड करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएं।